हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर। ये हमारा शॉर्ट नंबर 72 है और आज का टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये क्वेश्चन ऑल स्टेट के जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होगा। वीडियो को ज़्यादा स्किप ना करें, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर ज्ञान मिलने वाला है, ठीक है। और एग्जाम्स के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखकर काफ़ी एनालिसिस के बाद ये क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, ठीक है। काफ़ी एनालिसिस की जाती है इसमें कि आपके एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इन फ्यूचर कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी नॉलेजेबल होगा आपके लिए सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ऑल स्टेट के सीएचयू एग्जाम्स के लिए, एएनएम जेएनएम स्टाफ नर्स के लिए, यूपी पीसीएस नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के लिए, जेएनएम बीएससी नर्सिंग पोस्ट, बीएससी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए, एम्स नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के लिए, पीजीआई नर्सिंग एग्जाम्स के लिए, सीआरपीएफ नर्सिंग, बीएसएफ नर्सिंग, आर्मी नर्सिंग, सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए राजस्थान सीएचओ, यूपी सीएचओ, एमपी सीएचओ, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार सीएचओ, बिहार एएनएम, ईएसआईसी नर्सिंग एग्जाम, सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आंसर बताना क्या होगा इसका राइट आंसर, एंड लास्ट में बताना आपने कितने क्वेश्चन सही किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या हो सकता है? What can the causes of global warming according to option? You have to select the right answer. क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट करें जो भी राइट आंसर है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आपको राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ड्रॉट, फ्लड एंड फूड प्रोडक्शन शॉर्टेज, ठीक है, ये सभी होंगे। सूखा, बाढ़, खाद्यान्न उत्पादन में कमी, ठीक है, ये सभी होंगे। यहाँ पर आप लिखें खाद्यान्न उत्पादन में कमी, ये ग्लोबल वार्मिंग के रिजल्ट हो सकते हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के ये रिजल्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो वर्ड एक जैसे अपोजिट लिखे हुए, जैसे कि आप देख रहे होंगे सूखा भी लिखा हुआ है और बाढ़ भी लिखा हुआ है, तो आपको माइंड में ये बात नहीं पिन कर रही कि सूखा भी हो सकता है, बाढ़ भी आ सकती है, ऐसा क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग में? तो आप इस पर ध्यान दें, हम समझाते हैं आपको कि क्या होगा इनमें। देखिए, सूखा क्यों होता, जब भी ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लोबल वार्मिंग का एक शब्द में मतलब ये होता कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ डे बाय डे, ठीक है, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। मतलब अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है, सूखा तो होगा क्योंकि बेमौसम बारिश होगी, जिसे कहते हैं बेमौसम बारिश होना, ठीक है, सीजनल जो बारिश होगी वो नहीं हो पाएगी, बेमौसम बारिश होगी और कभी होगी कभी नहीं होगी, ये भी होता क्योंकि क्या होते हैं, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा काट दिए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल ज़्यादा यूज किया जाता है, इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, नीचे डिटेल्स में बात करेंगे। अब देखिए, सूखा की बात तो समझ गए, बेमौसम बारिश होगी, कभी होगा, मानसून बनेंगे नहीं, और बाढ़ कैसे आ जाएगी? बाढ़ ऐसे आ जाएगी जैसे कि जो ग्लेशियर होते ना, जैसे कि जो हिमालय में बर्फ़ जमा हुई है या ग्लेशियर होते, या आप जिस भी कंटिनेंट में रहते अदर देश में भी, ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर ग्लेशियर, जहाँ जहाँ पर ग्लेशियर है, जहाँ जहाँ पर बर्फ़ जमा है, ठीक है, तो जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो कैप के रूप में, आइस कैप के रूप में जो बर्फ़ जमा है वो क्या होगी, पिघलेगी। जब वो पिघलेगी तो नदियों और नहरों का स्तर बढ़ जाएगा, नदियों और नहरों का स्तर बढ़ जाएगा और जो समुद्र स्तर होगा, ठीक है, इसका भी लेवल बढ़ेगा, समुद्र स्तर का लेवल भी बढ़ेगा। तो इससे ये पता चलता है कि जब समुद्र स्तर का लेवल बढ़ेगा, नेशनल पार्क होंगे, आपने सुने होंगे ना, राष्ट्रीय उद्यान हिंदी में कहते हैं, नेशनल पार्क होंगे, बायो रिजर्व होंगे, लाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होंगी, या जितने भी गांव शहर जो भी होंगे कोस्टल एरिया के आसपास, ये डूबने लगेंगे, ठीक है, इसको कहते कि बाढ़ हो जाएगी। और एक दो पॉइंट समझे, जैसे कि जब मान लो कि बर्फ़ ज़्यादा पिघलती, ठीक है, तो जैसे कि बिहार का एरिया से क्या होता है, पानी थोड़ा ज़्यादा स्पीड में निकलता है, तो यहाँ पर बाढ़ आने के ज़्यादा चांसेज होते। उत्तर प्रदेश का पूर्वी यार का कुछ पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर जब भी पानी ये क्या नाम गंगा नदी से भी होते हुए आता, जब इसका लेवल बढ़ता ना, तो ये क्या करते हैं, अपने जो इनका जो ये जो एरिया होता है, ये बगल बगल आ रहा, ठीक है, जो इनका प्रोडक्शन एरिया होता है जिसके बीच से पानी निकलता है, तो इसको क्या करते हैं, पतला करते, इसको काटते चले जाते, इरोजन होता है, जिसे सॉयल इरोजन कहा जाता है, ठीक है, मिट्टी का कटाव कहा जाता है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये इन्हें तोड़ देते, तो ये आसपास के जो गांव होते हैं डूबने लगते, बाढ़ आती, खेतों में पानी भर जाएगा, फसल सड़ जाएगी, और कई जगह के जैसे कि लोगों के धंधे होते इधर उधर, कई कई जगह से लोग एक दूसरे पर डिपेंड होते, ठीक है, इन सभी में प्रॉब्लम आएगी,
इन सभी में क्या होगा, प्रॉब्लम आएंगी। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का बाढ़ का कारण बनता है। जब आइस कैप पिघलेंगे तो इसका जाहिर सी बात है कि जो नहरें होंगी, रिवर्स होंगे, ठीक है, कैनाल्स होंगे, इनका लेवल बढ़ जाएगा और ये पानी कहाँ जाएगा, ये आपके समुद्र में जाएगा, जिससे कि समुद्र का स्तर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो जो समुद्र के आसपास नेशनल पार्क होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, जहाँ पर जीव जंतु जानवर पाले जाते रखे जाते, कुछ शहर होते कुछ गाँव होते, इनका स्तर बढ़ेगा, इसका मतलब ये सब डूबने लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे टॉपिक अच्छे से। अब थोड़े बहुत पॉइंट और दिए गए, इन्हें समझ लेना, ठीक है। इतनी तो कहानी आपको समझना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज एक तरह का ग्लोबल वार्मिंग है, ये लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग इज एन एस्पेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज रिफरिंग टू द लॉन्ग टर्म्स राइज ऑफ द प्लैनेट्स टेम्परेचर, ठीक है। बहुत लंबे समय से जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता रहता, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है हिंदी में वैश्विक तापमान बढ़ना, ठीक है, वैश्विक तापमान। इट इज कास्ड बाय द इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। एक क्वेश्चन एग्जाम्स में नर्सिंग में ही पूछा गया है, ठीक है, और अदर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, पीसीएस में तो जाने कितना पूछा जाता है इस टॉपिक से, क्योंकि बहुत भारी भरकम टॉपिक है, ये अलग से सब्जेक्ट है इसका, ठीक है। तो ध्यान रखना, ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती, ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से होती। वो ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं ये लिख लेना, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज के अंतर्गत वाटर वेपर, हिंदी में लिखोगे जल वाष्प, क्या लिखोगे, जल वाष्प लिखा जाता है इसे हिंदी में, ठीक है, तो जल वाष्प। दूसरा लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा लिखोगे मीथेन, चौथा लिखोगे नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज यहाँ पर मेंशन की गई हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं, ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण होती है। ये वाला जो ग्रीन हाउस गैसेज ये आता कहाँ से है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, मेनली फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज द बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड द फार्मिंग, ठीक है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल का मतलब है जो ये तेल होता है, पेट्रोल वगैरह, डीजल्स वगैरह, ठीक है, जब इनको जलाया जाता है तो इससे जो धुआं निकलता है, जिससे धुआं निकलता है, इससे बहुत जहरीली गैसें निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता और भी कई चीज़ों के निकलता, ठीक है। जो समुद्र का पानी है, ठीक है, जब सनलाइट ज़्यादा होती तो इससे क्या होता, वाटर वेपर होता, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। ये एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास करें, ठीक है। फार्मिंग की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी में फार्मिंग से कैसे, जैसे कि इनका जो हिंदी में से पुआल कहा जाता है, जो इसका वेस्टेज नहीं बच जाता कृषि करने के बाद, इसका मतलब फल या जो बीज वगैरह होते हैं उसको निकाल लेते, बहुत ज़्यादा चीज़ें बच जाती, जिसे हिंदी में से पुआल कहा जाता है किताबी लैंग्वेज में, ठीक है, तो उन्हें समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो इससे इसको क्या है, वहीं पर खेत में फूंक दिया जाता, जला दिया जाता, बहुत भारी भरकम मात्रा में जला दिया जाता, तो इससे क्या होता, इससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती, नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलती, ग्रीन हाउस गैसेज बहुत ज़्यादा निकलती, मीथेन वगैरह भी होती, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी वजह से बादल जो होते काले पड़ने लगते। मतलब बादल काले का मतलब क्या है, ऊपर का एरिया क्या होगा, रेड अलर्ट इनकी वजह से भी घोषित किया जाता है, ठीक है, मतलब प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये सब कारण किसकी वजह से, किसके लिए जिम्मेदार हैं, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। गैसेज ध्यान रखोगे, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, ठीक है, ये सभी जिम्मेदार गैसेज हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है, ठीक है। अगर इस पर काबू ना किया गया तो कहा जाता है कि 2070 तक शायद काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लोगों को असहनीय हो जाएगा, लोग सहन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो गया क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है जो मैंने बताया। वीडियो को ज़्यादा स्किप ना किया करें, जहाँ पर ज़रूरत होती है वहीं पर बताते हैं टॉपिक में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं लोगों को, तो इंटरव्यू में इससे बारे में पूछा जाता है, ठीक है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, पीसीएस के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सीएचओ के एग्जाम्स में, अब तो हर एक एग्जाम्स का, क्योंकि ये एक ज्वलनशील मुद्दा है जो करंट में चल रहा है, इसलिए इसे बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े फिर आंसर बताएं, चेचक का कारक जीव क्या है, कास्टी बार्क ने जब आपकी चिकन पॉक्सिज, देख लें जल्दी से आंसर बता सकते हैं आप, जो भी राइट आंसर है कमेंट करें जल्दी से आंसर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा क्या, वेरिसेला जोस्टर वायरस। कई बार ट्रिक्स भी बता चुका हूँ, चिकन पॉक्स सीज कल टू वेरिसेला सी, इस पर मेंशन है तो बता चुका हूँ कई बार अच्छे से, ठीक है। तो चिकन पॉक्स का मतलब जो कारक जीव है, कास्टी बार्गनिजम है, वो वेरिसेला जोस्टर वायरस है, इसे VZV भी कहा जाता है, ठीक है, वेरिसेला जोस्टर वायरस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यह है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं वही बात बताई कि कंटाजियस डिसीज का मतलब है कि ये एक दूसरे के कांटेक्ट से फैलती, कंटाजियस का मतलब होता है एक दूसरे के कांटेक्ट से फैलती, समझे, एक दूसरे के छूने से या उस जगह रहने पर फैलती। अब यहाँ पर देखते हैं, इट कैन काज द इची एंड द ब्लिस्टर्स लाइक द रैसेज, मतलब छाले जैसे पड़ जाते हैं जिसमें खुजली होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे फिर आंसर बताएं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस रोग को बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर के रूप में जाना जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नोन एज बैरोमीटर ऑफ द सोशल वेलफेयर, क्या है इसका राइट आंसर, कमेंट करें जो भी राइट आंसर आपको लग रहा हो। बता भी चुका हूँ सोशल डिसीज, जब चैप्टर पढ़ाया था ना आपको तब मैंने बताया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है क्या, ट्यूबरक्लोसिस को, क्षय रोग को, टपेडी किसी को कहा जाता है, इसे बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जस का तस याद कर लेना, ठीक है।
बहुत बार बता चुका हूँ इसका डिटेल्स में। ट्यूबरकुलोसिस इज ए सोशल डिसीज विद द मेडिकल एस्पेक्ट, इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ बैरोमीटर ऑफ द सोशल वेलफेयर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 4, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे फिर आंसर बताएंगे। गन्ने की धूल के सांस लेने से होने वाला व्यावसायिक रोग कौन सा है, आपको बताना है। व्यावसायिक रोग है द ऑक्यूपेशनल डिसीज कास्ड बाई इनहेलेशन ऑफ सुगर केन डस्ट इज, यहाँ पर कट करना ठीक है, इज बताना है आपको कौन सा है। जो भी राइट आंसर है बताएं क्या होगा। कई बार लिया है इस क्वेश्चन को और बहुत बार एग्जाम्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बेगोसोसिस। क्या होता है बेगोसोसिस डिसीज होती है, गन्ने की जो धूल से होगी ना बीमारी, जैसे कि हम लोग जो लोग मतलब इंडस्ट्री में कार्य करते, गन्ने की इंडस्ट्री में कार्य करते जहाँ पर गन्ने को पेरा जाता, जहाँ गन्ने का रस निकाला जाता है, ठीक है, गन्ने का जहाँ पर रस निकाला जाता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है इसका जो वेस्टेज होता है उसको खोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खोई। तो गुड़ जब बनाया जाता है, गुड़ के जब प्रोसेस किया जाता है, जब ना गुड़ बनाया जाता है, जैगरी जिसे कहा जाता है गुड़ को इसमें, तो जब इसका प्रोसेस किया जाता तो इसमें इसका खोई का इस्तेमाल किया जाता और इसके पार्टिकल बहुत महीन महीन होते, बहुत बारीक होते, ठीक है, ठीक है, बहुत महीन पार्टिकल होते। तो जो लोग इस पे काम करते, हो सकता है मुंह बांध के काम ना कर रहे हो, मास्क लगा के काम ना कर रहे हो, तो उनको चांसेस होता है कि बेगोसोसिस डिसीज अगर हो जाएगी तो प्रभावित क्या करेगी, बॉडी के कौन से अंग को प्रभावित करेगी, ये लंग्स को प्रभावित करेगी। किसको, लंग्स को। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अगर लंग्स ना लिखा होगा तो क्या लिखा होगा उसमें, उसमें लिखा होगा श्वसन तंत्र को प्रभावित करे, श्वसन तंत्र। इंग्लिश में कहेंगे इसे रेस्पायरेटरी सिस्टम कहेंगे, क्या कहेंगे, रेस्पायरेटरी सिस्टम। ओके, तो ध्यान रखना आपको रेस्पायरेटरी सिस्टम को प्रभावित करेगा, आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा। और श्वसन तंत्र का पार्ट क्या है, आपका जो श्वसन तंत्र का पार्ट है ना वो लंग्स वगैरह है, क्या फेफड़े को प्रभावित करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना गन्ने की धूल की वजह से ये हो जाता बेगोसोसिस डिसीजेज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक पॉइंट और बता दूँ थोड़ा ट्रिक रूप में, जैसे गन्ना लिखा ना, ध्यान कैसे रखोगे इतने सिनोसिस लिखे गन्ना, तो गन्ना का मतलब क्या होता है, जी फार गन्ना होता, और पूरे पूरे टर्म्स देख रहे होगे पूरे ऑप्शन में, ठीक है। देखो गन्ना किसके बीच में लिखा है, बेगा में लिखा, किस में लिखा, बेगोसोसिस में, बेगोसोसिस में गा आता है, तो गा मतलब गन्ना वाला डिसीज जिससे होगा, ठीक है, किससे, बेगोसोसिस से। देखो बेगा में गा लिखा, गा फार गन्ना, तो मतलब गन्ना वाली जो डिसीज होगी, मतलब गन्ना का जो डस्ट होगा, गन्ना का जो धूल होगा, उसकी वजह से जो रोग होगा वो बेगोसोसिस होगा। बाकी किसी में देखिए किसी में गा नहीं लिखा। आपको स्टूडेंट को ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होती है दो बीमारियों को लेकर होती है, बाइसिनोसिस और बेगोसोसिस। इसमें स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, हम आंसर क्या बताएं क्या ना बताएं, ठीक है। बाकी सिल्का से सिल्कोसिस हो जाता, ठीक है, इतना ही ध्यान रखना, सिल्का से सिल्कोसिस हो जाता, बाइसिनोसिस कई बार बता सकता है, काटन डस्ट वगैरह, ठीक है। अब ये बेगोसोसिस से जी लिखा मतलब गा लिखा, गा फार गन्ना, इतना याद कर लेना, गा फार गन्ना, गा फार गन्ना से पता चल जाए कि गन्ने की वजह से, गन्ने की धूल से होता है बेगोसोसिस। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, इन फ्यूचर कभी नहीं भूलेंगे आप। ओके, फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हो फिर भी आप रिकॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आप ट्रिब्यूनल क्षेत्रों में कितनी आबादी पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाती है। एन आंगनबाड़ी वर्कर इज अपॉइंटेड ओवर अ हाउ मच पॉपुलेशन इन ट्रिब्यूनल एरियाज, क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट करिए जो भी राइट आंसर आपको लग रहा हो, थोड़ा सोच समझ के बताना आंसर, ठीक है। ट्रिब्यूनल क्षेत्रों में कितनी आबादी पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाती है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 700 पे की जाती है, ठीक है। और जो प्लेन एरिया होते हैं जहाँ पर कोई किसी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं अप्लाई किया जाता, वहाँ पर 1000 होता, कितना होता, 1000। कई बार बताया मैंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होती 1000 पॉपुलेशन पे कार्य करती, लेकिन यहाँ पर ट्रिब्यूनल एरियाज दिया गया है, क्या है ट्रिब्यूनल एरियाज, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ट्रिब्यूनल एरियाज समझाना पड़ेगा, नीचे बता दूंगा अभी इसके बारे में, इतना ही पॉइंट याद रखना, ट्रिब्यूनल एरियाज के 700 को कवर करती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। ओके, अब यहाँ पर देख ले कदू का पॉइंट जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आंगनवाड़ी इज अ टाइप ऑफ द रूरल चाइल्ड केयर सेंटर इन इंडिया, ये किस रूप में कार्य करते, जो आंगनवाड़ी होते हैं, ठीक है, ये रूरल चाइल्ड केयर सेंटर के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, ये ICDS का पार्ट होते हैं। ICDS का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ICDS की स्थापना कब हुई थी, 1975 में। यही पॉइंट टू पॉइंट याद करना जो मैं रिविजन्स करा रहा हूँ, ठीक है, ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके रिविजन्स में भी आ जाए, ठीक है। तो अगर आपसे कोई ऐसा पूछे एग्जाम्स में कि जो आंगनवाड़ी की जो शुरुआत की गई थी वो कब से की गई थी, तब भी आप बताओगे 1975 से की गई थी, 1975 से की गई थी, ठीक है। किसके तहत आता आंगनवाड़ी, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है किसके तहत कार्य करती, तो ICDS, ये पूरा नाम लिखा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड और डी फॉर डेवलपमेंट एज फॉर सर्विस। ओके, सर्विसेज, तो ध्यान रखना 1975 में स्टार्ट किया गया था। ओके,
अब यहाँ पर देख सकते हैं वही बात, कार्य क्या होता है, कम्बैक्ट चाइल्ड हैंगर एंड मलन्यूट्रिशन, मतलब जो उस एरिया में होते बच्चे वगैरह जहाँ पर इनका स्थापना की जाती, ठीक है, वहाँ पर इनको बच्चों को मतलब हंगर से बचाना, ठीक है, या हंगर से बचाना ही समझेंगे इसे, चाइल्ड कम्बैक्ट चाइल्ड हंगर एंड मलन्यूट्रिशन, उनको कुपोषण से बचाना, क्योंकि यहाँ पर जो ICDS होता है ना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होता है, आंगनवाड़ी जो सेंटर होते हैं ना, इनमें क्या होता है, बच्चों के लिए कई प्रकार के न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले आंगनवाड़ी सेंटर था, ओके, बसरते आपको उस पर ध्यान नहीं देना हमारे यहाँ था या नहीं था, हमारे यहाँ था, लेकिन मुझे पता है क्या क्या, क्योंकि बहुत प्रकार की मेडिसिन दी जाती, इनको आटा दिया जाता और कई प्रकार के ऑयल ऑयल दिए जाते खाने वाले, ठीक है, वेटिंग की जाती इनकी और भी कई चीज़ें की जाती हैं यहाँ पर, ठीक है, फिर बताएंगे, बाकी बहुत बार बता चुका, आप ट्राइब्यूनल एरिया समझो टॉपिक क्या है, ठीक है। इसे हिंदी में जनजातीय क्षेत्र कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जनजातीय क्षेत्र, इसका अर्थ होता है ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग सी के तहत आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, घोषित किया जाता है, अनुसूचित क्षेत्र किसके द्वारा घोषित किया जा सकता है, PCS में आ चुका है क्वेश्चन, ये घोषित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है, राज्यपाल एक रिपोर्ट जारी करता है, फिर अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं, ओके, तो ध्यान रखना है आपको, आप ट्राइब्यूनल एरिया जान गए, ट्राइब्यूनल एरिया का मतलब होता है जनजातीय क्षेत्र, ठीक है, ये भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची, ठीक है, शेड्यूल 5 में मेंशन किया गया है, ठीक है, शेड्यूल 5 कहा जाता है उसे, शेड्यूल 5 में मेंशन किया गया है, इतनी बात थोड़ा समझ लेना, ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चैनल पे नए से सब्सक्राइब करना, लाइक करना, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर करना, और वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, जो लोग हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया जाएगा, वहाँ पर आप मैसेज करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर अपना नाम एड्रेस मेंशन करना, ठीक है, और कौन सा एग्जाम्स है, ठीक है, कौन से एग्जाम्स के लिए आप परचेज करना चाहते हैं जरूर हमें बताना, ठीक है। और हाँ, आज एक गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ है, उनका नाम खुशबू है, ठीक है, वो मध्य प्रदेश से, उनका CHO में सिलेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, आज उन्होंने मैसेज किया था, वो मॉर्निंग में मुझे बताया था कि आज उनका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, मतलब सारे काम हो चुके हैं उनके, जो भी प्रोसीजर होते हैं, जो भी प्रोसेसिंग होती है, सारे हो चुके हैं, ठीक है, तो उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन टू खुशबू, ओके, ये CHO में उनका सिलेक्शन हो चुका है, आप सभी का होगा, ठीक है, आप धैर्य के साथ बने रहे, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से हमारे चैनल्स पे पढ़ रही थी बहुत लंबे समय से, और मैंने तो उन्हें देखा था, कभी कभी मेरी नींद खुलती थी तो कभी 1 बजे कमेंट कर रही थी, कभी 2 बजे कर रही थी, ठीक है, काफ़ी मेहनती लड़की थी खुशबू, ठीक है, खुशबू बहुत मेहनती लड़की थी, मैंने उनको देखा कई बार, वो रात में भी पढ़ा करती थी, जो वीडियो उनसे छूट जाते थे, नहीं पढ़ पाते थे समय के रहते, ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, नाइट में कभी 1 बजे कभी 2 बजे, ऐसा मैंने देखा, और कोई ज़्यादा सोर्सेस नहीं अपनाए, चैनल्स पे उन्होंने पूर्व विश्वास किया और अच्छी तरह पढ़ा, और मैं खासकर जितना टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, ये बहुत ही एनालिसिस के साथ तैयार किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा विश्लेषण किया जाता है, आपके एग्जाम्स में कैसा पूछा जाता है, किस प्रकार से पूछे जाएंगे इन फ्यूचर, आपके हर एक एग्जाम्स को मैं ध्यान में रखता हूँ, वो चाहे स्टाफ नर्स का हो, वो CHO का हो, या PCS के नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम्स हो, किसी भी स्टेट का हो, ठीक है, बाइलिंगुअल डाटा लेने का मतलब ये है कि हम सब कुछ कवर करते हैं और उसी हिसाब से कवर करते जिस प्रकार से एग्जाम्स में पूछे जाते, ठीक है, तो इसलिए काफ़ी एनालिसिस के साथ हर एक क्वेश्चन तैयार करता मैं, और तो कोई भी क्वेश्चन को आपको ध्यान नहीं भटकना है, जितने भी क्वेश्चन बातें कैसे कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहे, यहाँ पर कहीं से भी अदर जगह भी पढ़ते हैं फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन ये जितने भी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, आप ये सभी वीडियो पढ़ लेना, ठीक है, 100% सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक से वो क्वेश्चन कवर किए जो एग्जाम्स में बहुत आया पूछे जाते या इन फ्यूचर जैसे पूछे जाएंगे, ठीक है, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से डिटेल से मैंने कवर किया है, तो आप अगर यहाँ के सारे वीडियो सॉल्व कर लेते तो कोई भी एग्जाम्स हो आप इजीली निकाल सकते, किसी भी स्टेट का हो, आप किसी भी स्टेट से हो, ठीक है, और कोई भी नर्सिंग के एग्जाम्स हो, ठीक है, जितने जॉब के लिए होते, ओके, और हाँ, जो लोग लाइव क्लासेज, मतलब मैं कुछ दिन में लाइव क्लासेज लूँगा, खासकर पेड क्लासेज चलेगी उत्तर प्रदेश PCS और CHO के लिए, ठीक है, तो जो लोग मतलब ज्वाइन करना चाहते वो हमें मैसेज ज़रूर करना कि हाँ हम ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हम पेड क्लासेस चलाएंगे, शायद कुछ दिन बाद चलाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो जिन लोगों को ज्वाइन करना हो, ठीक है, जिन लोगों को ज्वाइन करना, कई स्टूडेंट हैं जो हमारे ज्वाइंस होंगे, कई गर्ल्स भी हैं जो ज्वाइन होने
होने के लिए कई बार डिमांड भी हमसे कर चुके हैं कि हाँ आप लाइव क्लासेस लीजिए, तो बहुत कहने के बाद, क्योंकि पर हमारे पास बहुत कम समय होता है, ठीक है, बहुत कम समय होता है, लेकिन जितना भी समय मिलेगा मैं पूरी कोशिश करूँगा ताकि उन सभी का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। खासकर PCS और CHO टारगेट रहेगा मेरा, जो लोग पेड क्लासेस लेना चाहते तो मैसेज ज़रूर करना, ठीक है, ताकि हम उन्हें बता सकें समय रहते कि हाँ कब से स्टार्ट होगी क्लासेज। ओके, चलता हूँ, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बट थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर्स।